लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुमार बीए पास, 5 साल फौज में कप्तान, पहाड़ी चढ़ने की खास महारत, इतना अच्छा रिकॉर्ड और फिर ये चोरी डकैती। खैर, आज तुम्हारी जेल की मुद्दत खत्म हुई, तुम अब जा सकते हो। इंस्पेक्टर वर्मा, इस आदमी ने 6 महीने जेल काटी मगर कभी ये नहीं बताया जुर्म में इसके साथी कौन है। जेलर साहब, अगर बता देता तो जेल ये नहीं, कोई और जाता। कौन? बलराम सिंह। अगर मैं सब कुछ बता देता तो मैं नहीं, वो जेल जाता। लेकिन फिर वो और उसके साथी हमें चैन से जीने नहीं देते। जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचिए। मैं अपने सुंदर की कसम खाता हूं, आज के बाद कभी किसी के धोखे में नहीं आऊंगा। और इन हाथों से ना कभी कोई गलत काम हुआ है न होगा। रतन कुमार जी, रतन कुमार जी, कमेंट। रतन कुमार, कस्टम की बिल्डिंग में आग लग गई है। वहां एक बॉक्स में बहुत जरूरी कागजात हैं और तुम पहाड़ियों पर चढ़ना जानते हो, इसलिए इंस्पेक्टर वर्मा ने तुम्हें फौरन बुलाया है। समय नहीं है, जल्दी करो। मैं अभी आता हूं पुष्पा। राम सिंह, मैं एक बार धोखा खा चुका हूं, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। मैं ये हीरे पुलिस का हवाले कर दूंगा। रतन कुमार, जुर्म हो चुका है, हीरे पुलिस के हवाले करके भी तुम बच नहीं सकते। नहीं, 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 नहीं।
पुष्पा, पुष्पा, कहना है कि रतन कुमार और उसके साथियों ने कस्टम की बिल्डिंग में आग लगाई और हीरों का बॉक्स ले भागे। बाद में रतन कुमार अपने साथियों को धोखा देकर वो हीरे लेकर फरार हो गया। कल ही रात रतन कुमार के साथियों ने बदला लिया और रतन कुमार के घर में आग लगा दी, जिसमें एक औरत जलकर मर गई। पुलिस का ख्याल है कि यह लाश रतन कुमार की पत्नी पुष्पा की लाश है। काफी नाम कमाया है आपने। अब जो भी हो डॉक्टर साहब, आप मेरा बच्चा ला दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा। देखो रतन, यह गांव हसरतपुर बंबई से बहुत दूर है और बिल्कुल वीराना। तुम यहां पूरी आजादी से रह सकते हो। मगर मैं करूंगा क्या? यहां से कुछ दूर पर महारानी मानवती की कोठी है और मैं उनका फैमिली डॉक्टर हूं। महारानी साहिबा को एक स्टेट मैनेजर की जरूरत है, यह नौकरी मैं तुम्हें दिलवा सकता हूं, मगर एक शर्त पर। आज से तुम्हारा बेटा सुंदर तुम्हारा नहीं, महारानी साहिबा का है। देखो रतन, महारानी साहिबा की बहुत दुख भरी कहानी है। जब उनके पति की अचानक मौत हुई तो महारानी मां बनने वाली थी। पति की मौत का उन्हें कुछ ऐसा सदमा पहुंचा कि उन्होंने 2 महीने बेहोशी की हालत में गुजारे। उसी हालत में उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ मगर मुर्दा। आज जब वो होश में आई तो अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी। उनकी हालत कुछ ऐसे पागलों जैसी थी, मुझसे सच नहीं कहा गया। और आपने मेरे बच्चे को उनके हवाले कर दिया? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरा खून है, जिगर का टुकड़ा है मेरा, कोई भेड़ बकरी नहीं जिसका बाजार में सौदा किया जाए। यह सौदा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा,
अगर तुमने बच्चा छीन लिया और महारानी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर तुम्हारे बेटे का क्या होगा? गलियों और सड़कों पर आवारा भटकेगा। अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी तरह चोर और डाकू बनेगा। और रास्ता ही क्या छोड़ा है तुमने उसके लिए? है कोई रास्ता? नहीं मालिक। पता है महारानी ने भी तुम्हारे बेटे का नाम सुंदर रखा है। मैं अपने सुंदर को फिर कब देख सकूंगा? जब मौका मिलेगा। हाँ रतन कुमार, आज से तुम्हारा नाम रमेश कुमार है, ताकि किसी को कोई शक न होने पाए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉटेज पर पहुंचा दूं। कल से तुम्हें काम शुरू करना है। बैठ जाओ। इस खिड़की से हॉल दिखाई देता है। तुम यहां से अपने बेटे सुंदर के जन्मदिन का जश्न देख सकते हो। मैं अंदर नहीं जा सकता? नहीं, बस तुम अपने बेटे को देखकर चुपचाप वापस चले जाना। आओ बेटे वाला। आती हूं। मैंने कब ना कहा है? जब देखो मेरा दिमाग खाते रहते हैं। आपको ऊपर बुलाया है। तुम्हारा रानी माँ, रानी माँ, अभी अभी यहाँ कोई आदमी आया था जो बिल्कुल चला गया। जाने दो बेटा, आज आपका जन्मदिन है और सबसे पहले आप अपने पिताजी को प्रणाम करेंगे। शाबाश बेटा, शाबाश। आज आपने हमें इतना महारानी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं एक मुजरिम हूं और वो एक महारानी है, और आप हम दोनों का रिश्ता करना चाहते हैं? इतने साल मैंने तुम्हें महारानी की नजर से दूर रखा,
सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शक्ल स्वर्गीय राजकुमार से मिलती है। मुझे यही डर था कि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो बिना सोचे समझे फैसला कर डालेंगे। लेकिन लेकिन आप उन्हें समझा सकते हैं? उनके सामने कोई जुबान नहीं खोल सकता, मैं भी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखो रतन, मैं जानता हूं तुम शरीफ आदमी हो। अगर तुम्हारे दम से महारानी के मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाए तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? और फिर सोचो, शादी के बाद तुम हमेशा अपने सुंदर के पास रह सकते हो, उसे अपना बेटा कहकर बुला सकोगे। अगर कोई आत्मा को देख सकता है तो आप जान जाएंगे ये मेरी आपके साथ दूसरी शादी है। सुनिए, मैं कह रही थी, सुंदर बेटा यहां आओ। सुंदर बेटा, मैंने इनसे इसलिए शादी की है कि किसी की जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मेरे बाद तुम्हें ये वही प्यार देंगे जो एक बाप अपने बेटे को दे सकता है। रानी मां, ये आपके पति बन सकते हैं, मेरे बाप नहीं। क्या हुआ? वो ना समझ है, नहीं जानता क्या कह रहा है, मगर आपके आंख में आंसू, आपकी तरह मेरी भी दुख भरी कहानी है। मेरी भी पत्नी थी, बेटा था, पत्नी चल बसे और बेटा उसे भी कहा बैठा। शुक्रिया। पुष्पा, पुष्पा, तुम जिंदा? मैं तो समझा था तुम उस आग में। नहीं, उसी रात कमला चाची वहां आई थी, उस आग में वो चल बसी। मेरा सुंदर कहाँ है? घर पर है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? एक इश्तहार देखकर, एक महारानी को अपने बच्चे के लिए एक पढ़ी लिखी औरत चाहिए। अच्छा, चलो मेरे साथ। चलिए, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। महारानी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? आप खामोश रहिए, मेरी बात तो सुनिए। आइए पतिदेव, मरी हुई बीवी जिंदा हो गई या आपकी दाश्ता से मिलकर आए? महारानी, ये आंखें किसी और को दिखाना। उस नामुराद का सीना गोलियों से छलनी ना कर दिया तो मेरा नाम महारानी मानवती नहीं। उस बेगुनाह का सीना क्यों? अगर गोली चलानी है तो मेरे सीने पर चलाइए, कसूर मेरा है उसका नहीं। हट जाओ मेरे सामने से। महारानी, इस वक्त आप होश में नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए। महारानी, मेरी बात तो सुन लीजिए। महारानी, छोड़ दो, महारानी, महारानी, रानी मां, रानी मां, रानी मां, सुंदर, मेरे बच्चे, मेरे खून का बदला। महारानी, ना ही हमें जायदाद चाहिए ना ये महल, ये सब आप संभालिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी अब यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कहीं चला जाऊंगा। देखो रतन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा बेटा सुंदर ना तुम्हें पिता समझता है ना इनको अपनी माँ, ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हें महारानी का कातिल समझता है। कातिल? हाँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं जानता हूं लेकिन वो नहीं। और इस वक्त उसे यह बताना कि तुम उसके असली बाप हो और किन हालात में वो महारानी का बेटा बना, आसान बात नहीं है। वो मेरी एक नहीं सुनेगा और हो सकता है वो जाकर पुलिस को तुम्हारी असलियत भी बता दे। मगर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक वो समझदार नहीं हो जाता। सब्र करो, इतनी जल्दी भी क्या है। डैडी डैडी,
वो आंटी के गोद में छोटा सा बच्चा कौन है? अरे बेटे कितनी बार बताया तुम्हें, ये रमेश अंकल का बेटा है। अरे मैं तो भूल ही गई। हाँ रमेश, कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहां मुझे एक अस्पताल में अच्छी नौकरी मिल गई। ये बहुत ही अच्छा हुआ, अब तो हम अपने सुंदर को भी बम्बई भेज सकते हैं, किसी बड़े स्कूल में दाखिल करा सकते हैं, आप ही के साथ रहे। क्यों नहीं? क्यों सुंदर? मैं बम्बई जाऊं या नहीं जाऊं इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। ये क्या बदतमीजी है? देखा आपने, इतना गुस्सा, इतनी नफरत मुझसे, अपनी मां से, अपने इस छोटे भाई से, इसीलिए हम इसे अकेला नहीं छोड़ते, कहीं ऐसा ना हो हमारा गुस्सा इस पे उतारे। धीरज रखो रमेश, सुंदर को जरा और बड़ा हो जाने दो, मैं खुद उसे सारी कहानी बता दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है कपूर? यार वकील, ये तो देखो बच्चा इतनी रात गए और जंगल में, और यहां पर कोई मकान भी नहीं। चलो आगे चल के पूछते हैं। आपको कैसे मालूम कि सुंदर बंबई गया है? स्टेशन पर एक कुली ने मुझे बताया कि उसने सुंदर जैसे किसी लड़के को बॉम्बे जाते हुए किसी ट्रेन में चढ़ते हुए देखा। और मेरा मुन्ना? वो भी जरूर उसी के साथ होगा, बॉम्बे पहुंचते ही सब पता लगा लेंगे। ये 3-4 सेब दे देना। कितने हुए? 2.5 रुपए। ले लो। क्या है रे? भूख लगी है। पैसा है? चल चल फूट फूट यहाँ से। चले आते हैं भिखारी, क्या मिर्ची मांगे बाप, ये ले। क्या हुआ बाबू? मेरा बटुआ। अरे श्याम भाई देखो तो कितना माल है इसमें। अनवर, जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, ज्यादा नहीं। हेलो अनवर, हाउ आर यू? हेलो रोजी बेबी, कैसा है मैम तुम? रोजी एक डांस हो जाए? मेरा बाप देखता है। ए जॉन चाचा, 1 dance विद रोजी। ओके ओके यस। मेरे साथ छोड़ मुझे।
चार सारा लफंगा लोग मेरी बेटी को हाथ लगाता है जान से मार देगा। डैडी की बच्ची छोड़ दे मुझे, चल छोड़ दे मुझे, नहीं अनवर अनवर बचाओ मुझे, श्याम भाई छोड़ दे मुझे, एक आनी है छोड़ दे लड़की को। अबे वो घूम चुकी औलाद, चुपचाप दारू पी, ज्यादा होशियारी दिखाई तो थोबरा तोड़ के रख दूंगा, समझा? मैंने कहा लड़की को छोड़ दो। शाबाश, आखिर मेरी ट्रेनिंग काम आई ना, हैं? चलें, चलो। हाँ आ गए, आइए आइए। क्या हुआ सुंदर भाई? अनवर, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि मेरा असली नाम मत लिया करो। मैं अब सुंदर नहीं, श्याम हूं। ओहो अल्लाह कसम, माफ करना यार, भूल हो गई। अच्छा ये तो बता, वहां हुआ क्या? जेल वालों ने मुझसे धोखा किया। रमेश कुमार को 10 दिन पहले ही जेल से छोड़ दिया गया था। वो हसलपुर नहीं गया, उसका एक वकील वहां गया और उसने मेरी मां की सारी जायदाद 30 लाख में बेच डाली। मगर महारानी तेरी मां थी, वो पैसा तो तेरा है। अनवर मुझे पैसा नहीं बदला चाहिए, मेरी मां के खून का बदला। मगर आज इतने सालों के बाद तुम उसे पहचानोगे कैसे? उसकी तो सूरत भी बदल गई होगी। सूरत बदल सकती है मगर उसके हाथ तो नहीं बदल सकते हैं। हाथ? क्या मतलब? हाँ, उसके दाहिने हाथ के पीछे एक ऐसा दाग है जो मैं आज तक नहीं भूला। जहां वो हाथ दिखाई दिया, मेरा दुश्मन मेरे सामने होगा और फिर वो होगा और मेरे हाथ। लोग कहते हैं इंसान अपनी तकदीर अपने हाथों से बनाता है। कोई बताए क्या कसूर है इन हाथों का जो मैंने अपनी पत्नी खोई, बच्चे खोए, जेल काटी। हमारा जीवन एक भयानक सपना बनकर रह गया। ये सब किस्मत की बात है। नहीं भीमा, नहीं, ये किस्मत नहीं, हम सब की नादानी थी जो हम सब बलराम सिंह के हथकंडों का शिकार बने और जेल काटे। वो तो ठीक है रतन भैया, लेकिन अब करना क्या है? देखो दिलावर खान, भीमा, हम सब जेल में मिले थे और हम सब ने मिलकर एक ही वादा किया था कि जब हम जेल के बाहर होंगे तो सब एक ही साथ होंगे और हम सब का निशाना एक ही होगा, बलराम सिंह। रतन भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बलराम सिंह के पास पैसा है, बेशुमार आदमी है, हथियार है, हमारे पास क्या है? गुस्से और नफरत की आग जो भड़क कर ज्वालामुखी बन चुकी है। दोस्तों, इन हाथों से मैं अपनी तकदीर तो नहीं बना सका, लेकिन कसम है मुझे अपनी पत्नी और बच्चों की, आज के बाद इन हाथों का एक ही काम होगा, बदला बदला बदला। हाँ बेटा विक्रम, आज तक की रिपोर्ट। तारी, आज ही हमें खबर मिली है कि रतन कुमार ने हसरतपुर का महल और सारी जायदाद 30 लाख में बेच डाली है। 30 लाख? जी, और वो यही कहीं बंबई में है, लेकिन कहां ये किसी को पता नहीं। शंकर, हर जगह तलाश जारी है मगर लगता है वो अकेला नहीं है। ये लीजिए, ये वो लोग हैं जो कभी हमारे साथ थे, जेल से निकलने के बाद सब लापता हैं। मुझे इन सब की रिपोर्ट 8 दिन में चाहिए। दूसरी चीज, करीम शिद्दी का जहाज, 50 लाख रुपए का सोना और बाकी सामान लेकर कल बंबई पहुंचेगा। करीम शिद्दी का सोना लेने से पहले परखना पड़ेगा,
पिछली मतलब वजन में कुछ कम निकला था। आई नो। हाँ, ये होटल की ओपनिंग नाइट के लिए किसका शो रखा जाए? आजकल तो एक ही सिंगर बहुत मशहूर है और वो है टोनी। चलो मेरे साथ, इधर आओ, चलो कोने में, बहुत जरूरी बात करनी है। मंत्री, मुझे टिकट बड़ी मुश्किल से मिले हैं, संभाल के रखो। ओके सुनीता, ये टोनी का शो तुमने पहले कभी देखा है? नहीं, मैंने आज तक किसी शक्ल भी नहीं देखी और मैं यहाँ शो देखने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ उसे देखने आई हूँ और तुम्हें दिखाने आई हूँ। मुझे दिखाने? क्यों? लेकिन मुझे टोनी से बहुत खतरनाक बदला लेना है। बदला? पहले तुम उसे अच्छी तरह से देख लो, बदला कब और कैसे लेना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो। ये क्या चक्कर है दोस्त? मैं तो खुद हैरान हूं यार, ये लड़की है कौन? ये क्या कर रहा है? अरे वही जो अक्सर हिंदी फिल्मों में होता है, हीरो अपना भेष बदल कर हीरोइन से मिलने जाता है और वो सब पहचान भी नहीं। क्यों, क्या समझे?
मुझे, मिलो जो मुझे, तो प्यास बुझे। देखो इधर जनाब मन कहाँ खो गए, जान लो के आज से मेरे हो गए तुम, ये जान भी लो ये मान भी लो, हे ये जान भी लो ये मान भी लो। जवाब नहीं तेरा रवि, जवाब नहीं। स्टेज के लिए नकली नाम तो टॉनी तूने पहले ही रखा हुआ था, कल नकली दाढ़ी और नकली बाल लगाकर तूने उस लड़की को अच्छा धोखा दिया। अब सच सच बता, क्या चक्कर था उस लड़की के साथ तेरा? मैं कसम खाता हूं यार, कल मैं उसे पहली बार मिला। फिर तू उसे देखकर चौंका क्यों? मैं कहां चौंका, अरे मेरी जवानी चौंकी। क्या खूबसूरत शक्ल है उसकी। रवि तेरा फोन है। आपने क्यों तकलीफ की बाबा? किसी लड़की का फोन है, कोई चक्कर चलाया है क्या? नहीं कोई चक्कर वक्कर नहीं है, एक सेकंड आया, एक सेकंड। हेलो, यस थोड़ी स्पीकिंग। मेरा नाम सुनीता है, आपको याद है कल मैं आपका शो देखने आई थी और आप मुझे अच्छी तरह याद है, आपको देखे कौन भूल सकता है। बात यह है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ओह श्योर, व्हाई नॉट, कब और कहाँ? सुपर रेस्टोरेंट, आज रात 8 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। 8 बजे हम जरूर आएगा, डेफिनेटली हम आएगा, जरूर आएगा। बाय बाय स्वीटहार्ट, बाय। हाँ तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका फैसला सुनीता करेगी या उसकी आंटी। आ गई। नमस्ते आंटी। लेते रहो। अरे आंटी, आज आप मंदिर से जल्दी आ गई, कहीं जा रही हो क्या? मैं मंदिर के साथ घूमने जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। 9 बजे से पहले। जी ओ मोंटी, चलो चलो। बाय आंटी, बाय माजी, बाय माजी। पुष्पा, वो तो भगवान ने तुम्हें इस घर में भेज दिया, वरना इस बला को ना तो मैं पाल सकती थी ना संभाल सकती थी, एकदम पागल है। तुम्हें यकीन है कि टोनी यहाँ पे आएगा? देखो मोंटी, मेरी लाइफ की एक ही तमन्ना है, अगर तुम वो पूरी कर दोगे तो तुम उससे शादी कर लोगी? हाँ। ओके, बोलो क्या करना है। एक कर्मचारी लेके आना, चलिए। ए यू, यहाँ कहाँ बैठ गए हो? जी ये कुर्सी खाली करो। जी मेरा ही नाम काली प्रसाद है। तुमने सुना नहीं, उठाओ, यहाँ मेरा एक दोस्त आने वाला है। गोश्त? राम 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 राम, मैं तो गोश्त को हाथ तक नहीं लगाता जी। ब्राह्मण हो श्रीमान जी, ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल ही बहरा है। अरे बैठा रहने दो, हमारी बात नहीं सुन पाएगा। लो पूरी कहानी सुनो, ये मेरी सहेली रत्ना की तस्वीर है। ओह पुअर थिंग। रत्ना मेरी सहेली ही नहीं, मेरी बहन जैसी थी। 6 महीने पहले वो उस पॉप सिंगर टोनी के चक्कर में पड़ गई थी और उसे मिलने खंडाला गई। जाने से पहले रत्ना ने मुझे हॉस्टल से एक खत भेजा था। मेरी प्यारी सुनीता, तुम्हें आज तक नहीं बताया मगर मैं टोनी के लिए पागल हो चुकी हूँ, उससे मिलने आज खंडाला जा रही हूँ। माताजी पूना से मेरे लिए फोन करें तो कुछ बहाना कर देना। तुम्हारी सहेली रत्ना। और फिर? अभी बताती हूँ। 2 महीने बाद रत्ना का ये फोटो अखबार में छपा था, इसमें लिखा है कि मैं माँ बनने वाली थी इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। तो ये टोनी की हरकत थी? हाँ, इसलिए रत्ना की मौत का बदला मुझे टोनी से लेना है। और कैसे?
आज वो जैसे ही आए किसी बहाने झगड़ा करके उसे इतना मारो कि मैं उसकी आंख नाक और दांत सब फोड़ कर दूंगा। क्या हुआ? कोको कोला कंपनी बंद। अब हम क्या पियेंगे? क्या पियेंगे बताओ। मोंटी जाते हो या लगाऊं घूसा? अजी बिल्कुल भूसा भरा हुआ है सबके बुद्धि में। वाह मिल गए पैसे मिल गए पैसे मिल गए मिल गए मिल गए। नमस्कार श्रीमान जी। गुड बाय देवी जी। पागल कहीं का मोंटी सुनो ना मेरी बात। हाँ तुम यहाँ ठहरो जरा देख लो कौन सा कैबिन बुक है। सॉरी। हम भी सॉरी मैडम। हाँ बेटे वो आता ही होगा। तुम तैयार हो ना? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मोंटी वो आ गया। ओ I'm sorry. Thank you. मैं जाऊं? जाओ। Hello, Miss Sunita. Hi. Miss Sunita, आपके माता पिता का नाम? मेरे माता पिता कोई नहीं है। तो आप क्या अंडे में से पैदा हुआ? जी अंडा बैठा एग। कितना मारा मारी इकट्ठा है लफंगा। क्या तुम जानता है? जी नहीं जी। अब मैं चलती हूँ आपको फोन करूंगी। यहाँ के एक बैरी ने मुझे बताया कि जब भी इब्राहिम शिद्दी का जहाज बंबई माल लाता है उसका आदमी बलराम सिंह के बेटे विक्रम से यहाँ मिलने आता है। विक्रम कहाँ है? ऊपर वाले कैबिन में। देखो विक्रम अब तुम दोनों खुद ही फैसला कर लो। जी फैसला तो आप दोनों के हाथ में ही है। कैसे फैसला डैडी? देखो बेटे राजमहल होटल के मालिक बलराम सिंह जी के ये बेटे हैं और बलराम सिंह जी चाहते हैं कि तुम विक्रम से शादी के लिए राजी हो जाओ। कम इन साहब आपका फोन है। एक्सक्यूज मी। तो आप इसलिए मुझे यहां लाए थे? हाँ बेटे। माला 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 हेलो। इब्राहिम शिद्दी 30 सोने के बिस्किट परखने के लिए भेजा है। कहाँ? जूहू रोड नाका 12 बजे काली फियट। कोड? जो भी जाकर बोलेगा डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा वो सोने के बिस्किट वाला देके उसको दे दिया जाएगा। ओके मैं भी आया। बलराम सिंह सेठ को बोल देना हम वहीं जा रहे हैं। पासवर्ड बोलो। डम डम भेगा भेगा मौसम भेगा भेगा। जैकेट 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 तो ओले गए। कौन? दो आदमी आए थे। किस तरफ गए वो? उस तरफ गए। ये जैकेट मुझे दे दो और तुम उधर से चले आओ।
थैंक यू। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, अजीब पासवर्ड है। वैसे बलराम सिंह की दुश्मनी अच्छी नहीं। आप उसे जानते हैं? अच्छी तरह, इसलिए तो बलराम सिंह का हर दुश्मन मेरा दोस्त है। तुम भी? क्या नाम है तुम्हारा? श्याम। आपका? रतन कुमार। वैसे खतरा टला नहीं है, मौत पीछे ही है। वक्त कम है, सौदा कर ले। कैसा सौदा? 30 सोने के बिस्किट्स की बाजार में तुम्हें क्या कीमत मिलेगी? यही कुछ 12-15 हजार। ये लो 30 हजार, वो जैकेट मुझे दे दो। ये लीजिए। वो गाड़ी अभी बहुत दूर है, आप किसी भी गली में मोड़कर गाड़ी रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगा, आप चले जाइए। ओके। करूंगी। क्यों नहीं? क्या खराबी है उसमें? मैंने कह दिया मुझे अभी शादी नहीं करनी। माला, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुम्हें विक्रम से शादी करना है और इसी महीने। ठीक है, अगर मैं आप पर इतना बड़ा बोझ हूं तो मैं आज ही खुदकुशी कर लूंगी। आज ही नींद की गोलियां खाके हमेशा के लिए सो जाऊंगी। इन धमकियों से मैं नहीं डरने वाला हूं। ओके, अभी पता लगेगा। क्या समझते हैं मुझको, गांव के छोकरे? मैं नींद की गोलियां खाने जा रही हूं। हाँ, आप तो दोनों वहां जाइए। ओके जीवन रॉबर्ट, उस तरफ। यस सर। मैं मर जाऊंगी तब पता चलेगा। क्या देख रहा हूं मैं?
क्या देख रहे हो? कौन है ये आदमी? आदमी? ए, कौन हो तुम? मैं शाम हूँ यार। शाम है यार? कौन शाम? किसका यार? बदमाश लफंगे, मैं तुझे भी गोली छोड़ाता हूँ। बदमाश? ए, अरे कौन हो तुम? चोर? नहीं, मैं सीएरी ऑफिस से शाम हूँ। मगर यहाँ कैसे आए? मैं चोर का पीछा करता हुआ यहाँ आया। चोर कौन? भाग गया। मैंने इसमें से पानी पिया और यहाँ सो गया आपके पास। मगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। माला, कहाँ है वो? कौन? वो आदमी जो यहाँ लेटा था। आदमी यहाँ लेटा था? हाँ। कितने बार आपसे कहा है शराब छोड़ दीजिए, आपको सपने आते हैं, मेरी नींद खराब कर दी। लगता है कुछ ज्यादा ही पी गया। डैड, मुझे यकीन है कि वो बूढ़ा आदमी रतन कुमार ही था जिसने उन दो चोरों को सोने की बिस्किट चुराने में मदद की थी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। उन दोनों चोरों का पता निकालो ताकि उनके जरिए हम रतन कुमार का पता लगा सके। लेकिन याद रहे, रतन कुमार हमें मुर्दा नहीं, जिंदा चाहिए। हमें उससे अपने हीरे वसूल करने हैं। हेलो। हाँ सुनीता जी। मैं आपको अकेले में मिलना चाहती हूँ। अकेले में? आप एक काम करिए, आपने वो झू का चर्च देखा है? हाँ, यस यस, वही वही। उसके बाजू में हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल बंगला है, वेरी नाइस। जी जी, ठीक है, मैं रात को 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। लेकिन कमरे में जरा अंधेरा रखेगा। क्यों? मैं वहां के बता दूंगी। ओके, बाय बाय। अमोटी और सुनो, 8 बजे हमें टोनी से मिलने जाना है। उसके कमरे में एक रास्ता पीछे से जाता है, वहां पहुंचकर तुम उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे रस्सी से बांधकर पूरे घर में आग लगा देना। बहल, उसने मुझे पहचान लिया तो? कमरे में अंधेरा होगा और तुम इन कपड़ों के ऊपर लाल साड़ी लपेट कर जाना। लाल साड़ी? हाँ, मुझे इस पते पर मिल लेना। गुड इवनिंग। तुम वो धोती वाले हो? जी, मैं कोई धोती वाला नहीं, मेरा नाम रवि है। मगर तुम तो कान से ऊंचा सुनते हो ना। दरअसल एक ड्रामे में मेरा ऐसे कुछ रोल है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। तो क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली थी? हाँ। घबराइए मत, टोनी से मुझे नहीं बदला लेना है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? जो आपकी सहेली के साथ हुआ है वही मेरे भाभी के साथ हुआ। टोनी के प्यार में भाभी ने भैया को छोड़ दिया। क्या मतलब? भैया बिल्कुल पागल हो गए, दिन रात शराब पीते हैं। हाँ। हाँ, तो क्या आप सच कह रहे हैं? क्या बताऊं उनकी हालत? किसी से कम नहीं है अगर। देखिए मेरे भैया चले आ रहे हैं, वो भी शराब पिए हुए। गम नहीं कोई। कौन से वाले? काले कपड़ों में। किसी से कम नहीं। देखा क्या कहता हूँ भैया, मेरे प्यारे भैया। भैया, इतनी शराब पीना अच्छी बात नहीं है भैया। भैया, ये सब क्या हो रहा है? ए छोकरे, इस लड़के से बचकर रहना, ये मुझे भैया कह रहा है, थोड़ी देर में तुम्हें अपनी पत्नी का कहा। ये क्या क्या बात कर रहे हैं भैया? ला जाते हैं सारे काल से। मुझे देख लिया आपने, नशे में अपने भाई को नहीं पहचानते। देखिए, अभी आप यहाँ से चले जाइए, बाद में मिलेंगे। हाँ, यह मेरा कार। ओके, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। हेलो, मेरा अड्डा आ गया, कितने पैसे? जल्दी बोलो नहीं तो पुलिस आ जाएगी। 4 रुपए। चलो जल्दी भाई, बताएंगे इसमें। चलो आप आ गई। देखो वो पीछे वाली सीढ़ी है ना, सीधे ऊपर जाना और जो मैंने कहा वही करना। हाँ, समझे? आप फिक्र मत करो,
मैं टोनी को इस पेट्रोल से जलती हुई लालटेन ला दूंगा, लाल लालटेन। अब जाओ ना, चलो। डोंट पुश मी। सुनो, मैंने बताया वही करना। माई बाप मुझे माफ करना, मुझे सुनीता ने आग लगाने के लिए कहा था। सुनीता? कौन सुनीता? वो बाहर सड़क पे। क्या हुआ? पुलिस मेरा पीछा कर रही है। आओ मेरे साथ। गई। बचने की तरकीब है क्या? पानी। पानी? हाँ पानी। अब आ रहा। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, अब घर कैसे जाऊंगी? एक्सक्यूज मी गुलबन, ये लो इसे बाहर पहुंच लो, थोड़ी देर में कपड़े अपने आप सूख जाएंगे। अब जैसे मैं कहूं वैसे करना। ओके। कहा ना तुम लोग? तू प्रेमी? तू प्रेमी? प्रेमी एग्जैक्टली। आज हमारी शादी हुई इन गीले कपड़ों में। पहले शादी हुई, फिर कपड़े गीले हुए, जोश में आकर आकर हम अंदर कूद पड़े। लड़की तुम्हारी कौन है? ओ, कर गजमाना क्या, सच को छुपाना क्या, दुनिया को आओ बतला दे। जमाना क्या, सच को छुपाना क्या, दुनिया को आओ बतला दे। तुम हो मेरे, हम हैं तेरे, डार्लिंग है ना बोलो है ना।
है ना बोलो है ना कसम ना क्या सच को छुपाना क्या दुनिया को आओ बतला दे हो करेगा कसम ना क्या सच को छुपाना क्या दुनिया को आओ बतला दे तुम हो मेरे हम है तेरे डार्लिंग है ना बोलो है ना चाहिए आंटी ने देख लिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी ओके बाय बाय जाओ इसलिए मैंने सीढ़ी पकड़ ली आप ही सुनीता की आंटी है हाँ क्या देख रहे हो जी कुछ नहीं सुनीता की बातों से ऐसा लगता था कि आप बहुत गुस्से वाली होंगी मगर आप तो बहुत अच्छी हैं क्या नाम है तुम्हारा रवि सुनीता को कब से जानते हो ज्यादा दिन नहीं हुए मगर ऐसा लगता है कि परसों से साथ हो आंटी मैं सुनीता को बहुत पसंद करता हूँ और सुनीता जी पता नहीं अगर मैं सुनीता से शादी करना चाहूँ तो आप उसे हाँ करवा देंगी कोशिश करूंगी फिर आज से मैं आपका आंटी नहीं मां कहूंगा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि डैडी मुझे बलराम सिंह के बेटे विक्रम से शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं अब मैं क्या करूं घबराओ नहीं बच्ची मेरा नाम सलमा है और मैंने ऐसे बहुत सी बच्चियों की फूटी हुई तकदीर चमका दी है तुम एक काम करो क्या तुम अपने डैडी से जाकर कहो कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो व्हाट बोल दो कि वही सियाड़ी वाला शाम तुम्हारा लवर है और उन्होंने उस रात जो देखा था कि शाम तुम्हारे बिस्तर पे है तो उन्होंने ठीक ही देखा था मगर सलमा वो अरे बुद्धू वो तुम्हारे डैडी है कोई तुम्हें जान से तो नहीं मार देंगे प्रेग्नेंट लड़की की शादी विक्रम से तो नहीं होगी ओह यस वेरी गुड आइडिया माला डैडी आ गए हाँ देख जैसे मैंने कहा वैसे ही करना समझी ठीक है मैं विक्रम को इनकार कर दूंगा पर ये शाम है कौन क्या करता है वो डॉक्टर है उसे फौरन यहां बुलाओ जी वो महीने भर के लिए शिमला गए हैं वहां कोई कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस जी वहां तो मुझे भी बुलाया है देखो आज मैं कलकत्ता जा रहा हूं वहां से शिमला 8 दिन के बाद तुम वहां पहुंच जाओ वहीं सारी बातों का फैसला करेंगे मतलब यह कि अगर उसने तुम्हें धोखा दिया और शादी से इनकार करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ओफो। माला देखा ना कितनी अच्छी तरकीब बताई बड़ी अच्छी तरकीब बताई अब कहां से लाऊं किसी डॉक्टर को और वो भी जो शिमला जाकर मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करे और ये भी झूठ बोले कि उसने मुझे प्रेग्नेंट किया किसी ना किसी को तो पकड़ना ही पड़ेगा जाएगा गाड़ी रुको
क्या हुआ? यही वो सहेजी वाला श्याम जो उस रात मेरे कमरे में घुस आया था। फिर तो इसे ही तुम्हारे डैडी के सामने पेश करेंगे। जानती हो ये सीआरडी वाले हर बीज बदलना जानते हैं। डॉक्टर, भिखारी, भंगी कुछ भी बन सकते हैं। यार अनवर, दो ऐसी बातें हैं जो मुझे कई रोज से परेशान कर रही हैं। क्या? उस रात भागते समय एक बुढ़े आदमी रतन कुमार ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि सारे सोने के बिस्किट्स भी खरीद लिए। कौन हो सकता है वो? वो कोई फरिश्ता होगा। उसी रात मैं एक मकान में घुस गया, जग से पानी पिया, पानी पिया और होश गायब। आंख खुली तो मैं बिस्तर में एक लड़की के साथ था। क्या बोला? लड़की? हाँ लड़की। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चल बे साले, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि तू और लड़की एक बिस्तर में? मिस्टर सीआईडी, जेल जाने की तैयारी कीजिए। जेल? जी, ये मेरी सहेली माला है और माला के पिता के दोस्त आईजी ऑफ पुलिस हैं। दो मिनट में हथकड़ी लग जाएगी। पर मेरी खता? मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? ये आप क्या कह रही हैं? मैं बताती हूँ, ये रही डॉक्टर की रिपोर्ट। आप पुलिस के आदमी है ना, पुलिस लोगों की इज्जत बचाती है, लूटती नहीं। अब मैं दुनिया को मुंह दिखलाने लायक नहीं हूँ। माला, इधर आ, इधर आ। माला मत रो माला। ये तूने क्या किया यार? वही तो मैं कह रहा था, उस रात मैं होश में नहीं था। शायद क्या? ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट लाई है। देखिए देवी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर मैं मगर वगर कुछ नहीं। अब जो माला कहेगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। क्या? मेरे डैडी डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। उनसे मिलने शिमला चलना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी? दो ही रास्ते हैं मेरे लिए, शादी या खुदकशी। नहीं माला, नहीं। यार अनवर, तू ही समझा ना, मैं शादी नहीं कर सकता। क्या बकवास करता है? एक इज्जतदार लड़की को मरने पर मजबूर करेगा? शर्म नहीं आ रही तुझे? नहीं माला, नहीं, मत रो माला। देखिए देवी जी, आप रोइए मत, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। आप सच कह रही हैं? जी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। थैंक यू। आपका नाम? अनवर। और आप? सलमा। सलमा, सुभान अल्लाह। मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, अल्लाह तेरी शान। इस घर के तो हिंदू मुसलमान सभी चालू नजर आते हैं। चलो माला, चलो। सुनिए, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। चलना, चल। नमस्ते जी, खुदा हाफिज सलमा। ये बंबई का नक्शा, यह थाना में बलराम सिंह का एक गोदाम है। इसके अलावा साइन, शिवड़ी, मलाड और कई जगह पर उसके 12 गोदाम है जहाँ स्मगल किया हुआ सामान रखा जाता है। इस वक्त क्या पोजीशन है? भीमा, कल ही माल पहुंचा है, सारे गोदाम माल से भरे हुए हैं। जो कुछ करना है आज ही रात को। आज ही रात? हमारे पास आतिशबाजी का पूरा इंतजाम है। चलो, पीछा लो।
सबका एक साथ जाना ठीक नहीं। मैं रियाज को लेकर इस तरफ जा रहा हूँ, बाकी सब उधर। चलो आओ। चली मैं हमारी पहली मुलाकात याद है शाम? हाँ, आपने मेरी जान बचाई थी। आज वो कर्जा उतर गया। यही है आपका मकान? मगर राज रहे। ओके, आज से हम दोस्त हैं। लानत है, एक ही रात में एक जगह नहीं हमारे 10 ठिकानों पर हमला। 3 करोड़ का माल रतन कुमार और उसके साथियों ने जलाकर राख कर दिया और तुम लोग कुछ नहीं कर सके। डैड, मैं एक बात कहूं? बोलो। इन सारे हमलों का एक ही मकसद है कि आप मजबूरन उसकी तलाश में बाहर निकले और वो आप पे वार कर सके। ठीक है, हम उसे वार करने का पूरा मौका देंगे। शिमला में जो हमारा नया होटल खुल रहा है उसके बारे में सारे पेपर्स में ऐलान कर दिया जाए कि ओपनिंग सेरेमनी की रात बलराम सिंह खुद दरवाजे पर खड़ा होकर अपने मेहमानों का स्वागत करेगा। ये ऐलान किसके लिए है? किसके लिए? हमारे लिए। तुम तो जानते हो शिमला का एक ही रास्ता है, उस रास्ते पर उसकी पूरी पलटन हमारी घात में बैठी होगी। नहीं दिलावर, हम इस चाल में नहीं आने वाले। हम जब भी आखिरी बार करेंगे तो वक्त और जगह का फैसला हम खुद करेंगे। दिलावर, हम शिमला नहीं जाएंगे। हमें शिमला जाना होगा। अखबार में खबर आई है कि तूने वहां किसी प्रोग्राम के लिए जा रहा है। शिमला? हाँ, तुम आंटी से कोई बहाना कर देना और कहना कि तुम्हारी किसी सहेली की शादी है, फिर हम साथ चलेंगे। क्यों? ओके। लेकिन तूने से बदला लेने की कोई तरकीब सोची? सोच ली। ये देखो। ये क्या है? एटम बम पाउडर। क्या? एक मिनट। ये क्या कर रहे हैं? बस आप देख जाइए। ये क्या कर दिया आपने? मेरे कुत्ते की आवाज खत्म कर दी? घबराने की कोई बात नहीं है, बस अभी आ जाएगी। जस्ट ए मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। देख लिया आपने? देख लिया आपने? ओ, ये तो कमाल की चीज है। अच्छा, ये तो चुटकी भर पाउडर था। शिमला पहुंचकर अगर आप पूरी शीशी टोनी को किसी तरह पिला देंगे तो उसकी आवाज हमेशा के लिए, और सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसके हाथ पांव जिंदगी भर के लिए गाते रहेंगे। अब तो हम शिमला जरूर चलेंगे। हाँ, हमें शिमला जाना है, डैडी से मिलने।
शिमला, मगर माला जी आपने तो अपने डैडी से कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर तो क्या, मैं तो कंपाउंडर भी नहीं बन सकता। कमाल है, आप सीआईडी के आदमी हैं या नहीं? सीआईडी? ओ हाँ, सीआईडी तो मैं हूँ, मगर मगर क्या? मैंने तो सुना है सीआईडी वाले हर तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये बात कब तक छुपी रहेगी? एक बार शादी हो गई फिर क्या फर्क पड़ता है। ओके, कोशिश करूंगा। माला जी, आपकी तबीयत कैसी है? जी, वो सुबह मतली सी आई थी। वो तो आएगी, इस किताब में यही लिखा है। किताब? जी मैं आज ही लाया हूँ, बच्चे की पैदाइश के बारे में इसमें सब कुछ लिखा है। देखिए, आप पढ़ेंगी? जी। बाद में। चलो माला। अच्छा, हम चलते हैं, परसों शिमला जाना है। आदाबर से? आदाबर। आदाबर से? आदाबर से। सुनीता। हाँ? तुम्हारे साथ शिमला तो जा रहा हूँ, पर एक बात बतानी पड़ेगी। क्या? मुझे आज ही मालूम हुआ कि टोनी का मेरे भाभी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भैया को क्यों छोड़ा? अरे वो तो ऐसे घरेलू झगड़ा था, अब तो दोनों राजी खुशी हैं, दे वेरी हैप्पी। अच्छा? हाँ, हो सकता है तुम्हारी सहेली रतन के साथ भी यही किस्सा हो। क्या मतलब? हो सकता है वो भी टोनी से कभी ना मिली हो और किसी और ने उसे प्रेरण कर दिया हो। हो सकता है टोनी बेकसूर हो। गाड़ी रोकिए। क्यों? मैंने कहा ना गाड़ी रोकिए। कमाल है, पर क्यों? ये क्या कर रही हो? फैन बेल्ट टूट गई है। ओ सुनीता, कहाँ जा रही हो सुनीता? वापस। मगर क्यों? टोनी से जो बदला लेना है वो मैं अकेली भी ले सकती हूँ। पर मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। सुनीता, सुनीता वो बताओ। अरे भाई तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर वो लड़की वापस आए तो कहना मर गया। ओके। जल्दी पकड़ो। क्या हुआ? मर गया। रवि, रवि आंखें खोलो। ये तुम्हें क्या हो गया रवि? सारी खत्म मेरी है ना, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती और ना ही सब कुछ हो जाता। रवि आंखें खोलो ना, मैं कसम खाती हूं कि आइंदा तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वादा करती हो? प्रॉमिस मी? बोलो बोलो ना। अरे सुनीता, अरे सुनीता, अरे सुनो तो। चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होंठों से जिंदा कर दिया। ओ, 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 जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होंठों से जिंदा कर दिया। पर तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं, पता हमारी क्या हो। जब चाहा यारा
आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। इसी निगाह से हजार दिल टूटे हैं, चलो जी हम पूरे सही, चलो जी हम झूठे हैं, मगर इसी निगाह से हजार दिल टूटे हैं। हर कदम से कहना हमारी जरूरत नहीं है प्यारी, क्या हो जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। चल रहे हैं खता हमारी, क्या हो जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। सको तो हम सफर, हमें तुम अपना जानो, उधर नहीं इधर चलो, कभी तो कहना मानो। समझ सको तो हम सफर, हमें तुम अपना जानो, उधर नहीं इधर चलो, कभी तो कहना मानो। अरे लिपट के पूछो के आगे मर्जी है अब हमारी, क्या हो जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। और तुम्हारी मर्जी पे चल रहे हैं खता हमारी, क्या हो जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। मुझे पता चला कि तुमने एक ही कमरा क्यों बुक कराया था, मुझसे लिपट निकले। हाँ क्या बात कर रही हैं आप, अरे सारा होटल बुक्ड है, मुश्किल से तो कमरा मिला है, और जो मैं आपसे लिपटा था प्यार मोहब्बत से नहीं, बल्कि मुझे ठंड लग रही थी। मैं क्या कोई हीटर हूँ? बिल्कुल हीटर, मेरे दिल के मीटर को छू कर देखी, एकदम तीतर हो ना तीतर। क्या हुआ? आइसक्रीम जी, आइसक्रीम। कमाल है यार, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे आप कह रही हो आइसक्रीम। जी मैं वही कह रही थी। अच्छा अच्छा, या पता है सोते वक्त आइसक्रीम खाने से पेट ठंडा रहता है। देखिए इसमें यह भी लिखा है कि होने वाली माँ को रोज रात को आधा सिर दूध पीना चाहिए, उससे बच्चे का रंग गोरा होता है। मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए यहाँ से रूम सर्विस में फोन कीजिए, वो ले आएगा। रूम सर्विस? हाँ कार्ड में पढ़ लीजिए। अच्छा ओफो, फोन कर दीजिए ना, वो आइसक्रीम ले आएगा। अच्छा बाबा करता हूँ, चिल्लाने की जरूरत क्या है। हेलो। हाँ रूम नंबर 1244 में आधा सेर गरम दूध भेज दीजिए। आधा सेर गरम दूध? क्या मैं दूध वाला हूँ? मुझे पता नहीं, हमें आधा सेर गरम दूध चाहिए। हमें एक किलो आइसक्रीम चाहिए। ये क्या बकवास है, हमें दूध चाहिए। देखिए मिस्टर सो एंड सो, आपको अगर दूध चाहिए तो एक काम कीजिए, इस होटल के बाहर एक भैंस खड़ी है, बाल्टी ले जाइए, दूध निकालिए, जितना पीना पीजिए, बाकी का आइसक्रीम बनाकर कमरा नंबर 1242 पे भेज देना। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू। किसका फोन था? पता नहीं कोई दूध मांग रहा था। दूध? कोई मुझसे?
श्याम, बुरा नहीं मानना, जब तक हमारी शादी ना हो जाए हमें अलग ही सोना है। नहीं नहीं, आप आराम से सो जाइए, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आप भी? कोई बात नहीं ब्रदर, होता है होता है। गुड नाइट ब्रदर। नी मामा नी नी गुड नाइट। जी हाँ जी हाँ, तो कितनी देर लगेगी? ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ। थैंक यू। चल ना रहा है, उसका सेक्रेटरी था, उसने कहा कि आप कमरा नंबर 40 में पहुंचाइए, मुलाकात हो जाएगी। शाबाश, ये लो एडम बम पाउडर, किसी बहाने पिला देना, फिर देखना तमाशा। ओके, मैं जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। तुम खड़ा काय को हाय, बैठो बैठो। थैंक यू। वॉचमैन, तुम क्या लेंगे? एप्पल जूस प्लीज। एप्पल जूस? अभी लेके आता हूँ। एप्पल जूस लेंगे लेंगे लुलू राडू। हेलो, रूम सर्विस, हम कमरा नंबर 127 से बोलता है, एक फर्स्ट क्लास एप्पल का जूस ऊपर जल्दी भेजो। थैंक यू। एक मिनट, अभी आता है अभी आता है। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। आप आया? नाश्ता हो गया? नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, खाली पेट रहना अच्छा नहीं है, कम से कम ये दूध पी लीजिए। आप बोलता है तो हम जरूर पिएगा, आखिरी बूंद तक पिएगा। आपने हमारा दूध में कुछ मिलाया तो नहीं? मिला? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, एक लड़की आया, उसने हमारे दूध में कुछ मिलाकर हमें पिला दिया, हम बेहोश हो गया, एकदम बेहोश। और फिर उसने हमारा इज्जत लूट लिया। बिल्ली, अगर आप मुझे ऐसा समझते हैं तो मैं जा रही हूँ। हाँ, ओ नो नो नो, नॉट एट ऑल। आप आराम से सीना तान कर बैठिए, हम दूध पिएंगा, जरूर पिएंगा। बहुत अच्छा, आज तक हमें ऐसा दूध कभी नहीं पिया। हाँ, ओह यस, तुमको मालूम है एक हिंदी पोएट लिखा है कि पीने का मजा पिलाने वाले पे है। हाँ, आगे भी लिखा है कि पो, पो, फोन करके डॉक्टर को बुलाओ। अब तुम्हें कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बचा सकता। ये तस्वीर पहचानते हो? ये मेरी सहेली रत्ना की तस्वीर है, वही रत्ना जिसे तुमने अपनी हवस का शिकार बनाया और मरने पर मजबूर किया। मैं प्यार करने नहीं, रत्ना का बदला लेने आई थी, और वो बदला आज पूरा हो गया। अब जीवन भर ना तुम नाच सकोगे ना गा सकोगे, और इसी तरह हाँपते कांपते यूं ही मर जाओगे। बाय स्कंडल। कमाल कर दिया यार तूने, मेरे लिए तो हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। अरे हटना यार, ये सब कुछ निकाल के लड़की से फिर मिलने जाना है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही यार, ये दूरी कब तक चलेंगे? ज्यादा नहीं, एक दिन आप जरूर पकड़े जाएंगे। अरे देखा जाएगा। पीछे हाँ
कहाँ जा रही सुनीता, बात तो सुनो। सुनीता मेरी बात तो सुनो सुनीता। डोंट टच मी यू मक्कार धोखेबाज। ना मैं मक्कार हूँ ना धोखेबाज, तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि तुमने जो इल्जाम मुझ पर लगाया था उसे गलत साबित करने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं सुनीता। और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए तुम टोनी से रवि बने, तरह तरह के भेष बदले, और जो खेल रत्ना के साथ खेला था वही मेरे साथ खेलना चाहते थे। देखो सुनीता, ये शक तुम्हारा बिल्कुल गलत है। बिलीव यू, यू स्काउंडरल, यू लायर। मैं कुछ कहूं बेटी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन रवि को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। मैं दिल का मरीज हूं और चंद दिनों का मेहमान, लेकिन जब मैंने सुना कि रवि किसी लड़की से प्यार करता है और उसके साथ शिमला चला है तो मेरा दिल नहीं माना। अपनी बीमारी को साथ लेकर मैं अपने होने वाली बहू को इतनी दूर देखने के लिए चला आया। तुम रवि को अच्छा कहो या बुरा ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन रवि जैसा लड़का किस्मत वालों को ही मिलता है बेटी। चलो बाबा, मैं आपको छोड़ाता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा बेटे, तुम अपनी बात खत्म करो, जाओ जाओ जाओ। इस बुड्ढे को कितने पैसे दिए एक्टिंग करने के, बोलो, बोलते क्या नहीं? जो लड़की मेरे बूढ़े बाप की बेइज्जती कर सकती है वो दुल्हन बनकर मेरे घर आने के लायक ही नहीं। सब ठीक हो जाएगा। डैडी आ गए। डैडी, ये हैं डॉक्टर श्याम। डॉक्टर श्याम, हम पहले भी मिल चुके हैं। पहले? हाँ, तुम्हें मेरी शक्ल इसलिए याद नहीं, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तो मैं ऑपरेशन करके निकला था और मेरे मुंह पर सर्जिकल मास्क था। मास्क? तुम डॉक्टर हो ना? डैडी, दरअसल ये मेरी भूल थी, ये डॉक्टर नहीं बल्कि बॉम्बे सीआईडी में काम करते हैं। ओह, बॉम्बे सीआईडी। जी। बॉम्बे सीआईडी कमिश्नर का नाम जानते हो? जी, उनसे तो कभी मिला ही नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर? उनसे भी कभी नहीं मिला। सुपरिटेंडेंट या इंस्पेक्टर किसी का नाम जानते हो? जी। शायद तुम पांडु हवलदार के बारे में जानते होगे जो चोरों का पीछा करता फिरता है। जी ठीक है, तुम बाहर जाके ठहरो। डैडी, डैडी बात क्या है, क्यों उसे बाहर भेज दिया? बताता हूं। जानती हूं माला, यहां डॉक्टरों की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी? जब बिन ब्याही लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। अगर ये कॉन्फ्रेंस इस मसले के बारे में ना होती तो मैं ये पेपर साथ में नहीं लाता। देखो ये पेपर, देखो, और इसमें छपा हुआ फोटो। क्या हुआ? इस लड़की को पहचानते हो? हाँ, एक बार मिला हूं इस लड़की से। तुमने इसे प्रेग्नेंट किया था और इसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। मैं? तुम इसे मेरे डैडी के पास लेकर गए थे और जबकि डैडी एग्जामिन कर रहे थे तुम इसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए। माला जी, ये सच है कि मैं इस लड़की को अस्पताल लेकर गया था, मगर मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? आज से कई महीने पहले मैं और अनवर पूना से बॉम्बे आ रहे थे। रोको, रोको, श्याम भाई रोको, रोको। अरे ये कौन हो सकती है? पता नहीं कौन है, लेकिन ये तो बेहोश हो गई है, इसकी तो हालत बहुत खराब है। तो फिर इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ओके, डॉक्टर अभी ऑपरेशन करता, तुमको रुकना मांगता है। मगर हर दो घंटे बाद मुझे रिपोर्ट देते रहना, उसके एक्सरे रिपोर्ट भी मेरे पास। यस डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत खराब है, जरा देख लीजिए। तुम कौन हो? श्याम। ओके, कम इनसाइड। देखिए, मेरे यहाँ घर वाले हैं, मैं उन्हें फोन करके बुला लूंगी, आप जा सकते हैं।
शुक्रिया। रत्ना से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। किसने उसके साथ ये जलील हरकत की मुझे नहीं मालूम। कहानी अच्छी बनाई है तुमने, मगर तुम्हारे ये दास्तान उतने ही सच है जैसे कि उस रात तुम्हारा मुझसे कहना कि तुम शहरी के आदमी हो। चोर का पीछा करते हुए मेरे कमरे में घुस आए थे। तुम किस लिए आए थे मैं वो खूब जानती हूं। वो तो मेरी तकदीर कि तुमने गलती से वो पानी पी लिया जिसमें नींद की गोलियां थी, वरना मेरा अंजाम भी वही होता जो रत्ना का हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि ना मैं प्रेग्नेंट हूं ना मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। शुक्र है मेरे डैडी तुम्हारी असलियत जानते थे और मैं बच गई। अब आज से मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। हेलो। ओ तो तुम ही शाम हो, घबराओ नहीं, हमने तुम्हें यहां कोई बदला लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। देखो शाम, अगर हमसे नाता जोड़ लो तो हजारों के बजाय लाखों कमा सकते हो। बात समझने की है, अगर समझ में आ जाए तो बंबई आके हमसे मिल लेना, एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मैं जा सकता हूं। बाय ऑल मींस, बेस्ट ऑफ लक। ये आप क्या करना चाहते हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझे ना? रतन कुमार बंबई में कहां रहता है सिर्फ ये लड़का श्याम जानता है। अगर ये हमारे ग्रुप में आ जाए तो हम रतन कुमार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। एंड नाउ बैक टू बॉम्बे। मगर यार प्रोग्राम छोड़कर जा रहे हो, बड़ी बदनामी होगी। चिन्ह ना मैं गा सकता हूं ना नाच सकता हूं, इसलिए कि सुनीता ने मेरा दिल तोड़ा, बल्कि इसलिए कि मेरे पापा जो हजारों उम्मीदें लेकर शिमला तक आए थे उदास होकर मुझे कुछ कहे बिना वापस चले गए। ठीक है, तुम्हारे लिए टैक्सी बुक करा देता हूं। मुझे टैक्सी की जरूरत नहीं है, होटल के बाहर बस मिलती है, मैं उसमें चले जाऊंगा। बस में? जी हाँ, बस में। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। ठीक कह रही हूँ, श्याम रत्ना को लेकर मेरे डैडी के पास अस्पताल गया था और बाद में रत्ना को वहीं छोड़कर भाग गया। उसके कुछ ही दिनों बाद रत्ना ने खुदकुशी कर ली। ओह माय गॉड, और मैं अब तक रवि को जिम्मेदार समझ रही। रवि? हाँ, मुझे जाके उसे माफी मांगनी है। मगर बताओ तो तुम रवि पर क्यों शक कर रही थी? ये लो रत्ना की चिट्ठी, पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। मिस्टर रवि यानी कि मिस्टर टोनी यहाँ है? चले गए। कहाँ? बस स्टॉप पर गए, अभी अभी दिल्ली की बस पकड़ने। ओ थैंक यू। रवि रवि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे सुनो तो, मुझे पता चल गया कि तुम निर्दोष हो इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ कमाल के हो तुम रवि, बस ये उतरो ना, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ। जल्दी चलो, जल्दी चलो, देर हो रही है। चल रहे हैं भाई, चप पका रहे। रवि रवि देखो ना बस जाने वाली है, जल्दी उतरो ना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रवि ये लो, तुम्हारे बच्चे को अभी वापस लाती हूँ। ए माँ जी रहम करो ना मुझ पर, जरा समझाना मेरे पति को। क्या गल है? ये मेरे पति हैं, मुझसे लड़ाई करके परदेश जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे? दाल में नमक कुछ ज्यादा हो गया था, इस पर इतने खफा हो गए कि घर छोड़कर परदेश जा रहे हैं। इन्हें इस नन्हे से बेटे का भी ख्याल नहीं। अब मैं क्या करूंगी माँ जी, क्या करूंगी मैं? हट नहीं परे, वेखा तो सही केड़ा हैगा। क्यों भी शर्मा, तेन शर्म नहीं आंदी? छोटी जी गल पूछे कोई अपना घर छोड़ के जाता भला? अरे आंटी जी ये झूठ बोल रही, आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ, तो तू सच बोल रहे हैं, ऐनी सोनी वटी
इतना प्यारे जे बच्चे नूं छड़ के जा रहे मैनू तो लग रहा तेरी मत ही मारी गई। चल उतर बोलता था वही सौदे वाली बात हमें बेवकूफ समझता है। कम वक्त ये नहीं जानता कि बड़ी शरीर कुछ बात मगर तुम लोग शिमला से कब आए? बस अभी आए और रात में मुझे लेने आ गए जी। सुनिए अभी अभी एक देवी यहां आई थी पीली साड़ी पहने हुए। पीली साड़ी पहने हुए? हाँ हाँ। आप उनका पता जानते हैं? जी नहीं।
क्या वो रोज यहाँ आती है? कभी कभी आती है। एक विनती है आपसे पंडित जी, जब वो दोबारा यहाँ है तो उनका पता पूछ लीजिएगा, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। जी अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते। अरे माला तुम? सुनीता, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। आप यही कहने आई ना कि आपने रत्ना की चिट्ठी पढ़ ली, और आपका ख्याल है कि रत्ना की बर्बादी का जिम्मेदार शाम नहीं मैं हूं? ये हो सकता है, रत्ना आप ही से मिलने खंडाला गई थी। गई थी? और वो किससे मिली, क्या हुआ, इन सब बातों का पता लगाने हम पूना जा रहे हैं। पूना? जी हाँ, रत्ना की माँ के पास। बस बेटा, यही है उसकी सारी कहानी। माँ जी, आपका ये कहना है कि रत्ना जब बंबई से यहाँ आई तो कुछ पेंटिंग क्या करती थी? हाँ बेटा, ये तो उसका पुराना शौक था। लेकिन वो क्या पेंट करती थी, आपने कभी देखा है? नहीं। अच्छा, उसका कमरा कहाँ, हम देख सकते हैं? वो रहा सामने, जाओ देख लो। क्या ढूंढ रहे हो? रत्ना की आखिरी पेंटिंग। माँ कुछ मिले, अरे ये तो सिर्फ स्केचेस हैं। जानता हूँ, देखो ना आगे कुछ होगा। ओह माय गॉड, ये तो बिक्रम की तस्वीर है। बिक्रम? बिक्रम, मेरा बदला तुमसे मेरा भगवान लेगा। आपने मुझे बुलाया था? देखो श्याम, बहुत साल पहले रतन कुमार हमसे लाखों रुपए के हीरे लेकर फरार हो गया था। वो हीरे अब भी उसके पास हैं, और हम उन हीरों का सौदा करना चाहते हैं। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम हमारा पैगाम उस तक पहुंचा दो। अगर सौदा पट गया तो हम तुम्हें 1,00,000 रुपया इनाम देंगे। ओके। ठीक है श्याम, तो बलराम सिंह से कह देना मैं किसी सौदे के लिए तैयार नहीं हूं, और आइंदा अगर जरूरत पड़ी तो मैं आकर तुमसे मिलूंगा, तुम नहीं। कहाँ मिल सकते हो? मैं अक्सर रात को जूहू होटल के रेस्टोरेंट में बैठता हूं। ठीक है, मैं चलूं। ओके, दिलावर। वो रहा श्याम, लेकिन आपको वहां नहीं जाना चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। आई हूं, मुझे पता चल गया कि आप निर्दोष हैं। रत्ना की तबाही के जिम्मेदार बलराम सिंह का बेटा विक्रम है। चलिए यहां से चलिए। मैं कहीं जाना नहीं चाहता, आप जाइए और जो भी हमारे बीच में हुआ है उसे भूल जाइए। मेरे जरा से भूल माफ नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ श्याम, मगर मुझे आपसे कोई प्यार नहीं। झूठ। ये सच है। आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते? मैं आपसे कोई बहस करना नहीं चाहता, आपकी बेहतर इसी में कि आप यहां से जल्द चली जाएं। क्या चाहिए मियां साहब आपको? वो साहब क्या पी रहे हैं? वो तो विस्की पी रहे हैं। एक विस्की लो। विस्की? लाज। विस्की बोले? अरे विस्की कौन है ये? कौन है? नोट सोका। ये बाप रे। विस्की लो। लफड़ा हो जाएगा।
माफ कर देंगे ना? अरे तुम मेरे डैडी को जानती नहीं हो, वो देवता है देवता।
जैसे तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हें गले लबू, हम लूट के बर्बाद हो गए। क्या हुआ धन्ना? आज दोपहर को अचानक दिल का दौरा पड़ा और चल बसे। कौन? आपके पिताजी कपूर साहब। वकील साहब इनसे कहिए यहाँ से चले जाएं। अब इनको यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। वकील साहब आपने सुना माताजी ने क्या कहा? कौन है ये लोग? रवि मैं सब बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन। हर औरत और लड़का कौन है? कपूर साहब की पत्नी, उनका बेटा। ये झूठ है। ये सच है बेटा। आज से बहुत साल पहले हम हसनपुर गांव में शिकार खेलने के लिए गए थे और तुम हमें जंगल में मिले। जंगल? तुम कौन हो, कौन तुम्हारे माँ बाप? इसका रिकॉर्ड हसनपुर गांव के पुलिस स्टेशन में मौजूद है। ये देखिए, एंट्री मौजूद है बच्चों के खो जाने की। रिपोर्ट महल के माली रामू ने लिखवाई थी, वो अब भी वही कुटिया में रहता है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। दोनों बच्चे रात के अंधेरे में कहां गायब हो गए कोई नहीं जानता। उनकी खोज में उनके माता पिता गए, वो भी कभी वापस नहीं आए। मैं तुम लोगों को उनकी तस्वीर दिखलाता हूँ। तस्वीर दिखलाता हूँ। अरे ये तो पुष्पा आंटी है। हाँ यही है वो देवी, बहुत दिनों के बाद आज मंदिर आई थी। मैंने उनका नाम पता सब लिखवा लिया, ये लीजिए। अरे श्याम यार, आज के अखबार में मैंने तुम्हारे पिताजी के बारे में पढ़ा, बहुत दुख हुआ। तुम्हारे घर गया पता चला तुमने घर ही छोड़ दिया। मेरी कहानी का जी भी कहानी मेरे दोस्त, ना वो घर मेरा था ना कपूर साहब मेरे पिता। तो फिर? मैं उन्हें बचपन में हसदपुर गांव के जंगल में मिला था। जंगल? हसरतपुर? हाँ। आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आओ सुनीता पीछे जाना। मालिक ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। काश तुम्हारे पिता यहाँ होते और तुम्हें गले से लगा सकते। घबरा मत माँ, जब तुम्हें ढूंढ निकाला तो उनका भी पता लगा लूंगा मैं। हाँ माँ हाँ। रवि जब तुम्हारे पिताजी मिल जाएं तो मुझे जरूर खबर कर देना। जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा। हेलो कौन? ठहरिए आंटी, कोई आपके लिए पूछ रहा है। मेरे लिए? हाँ। हेलो कौन बोल रहा है? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे पुष्पा। मैं वही बदनसीब हूँ तुम्हारा पति। नहीं नहीं पुष्पा, नहीं रो मत, आज रोने की रात नहीं, तुम मिलन की रात है। मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारे सामने पार्क है ना, वहां चलिए आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। कौन थे? पता नहीं, मगर यार क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? मैं रवि से मिला, वो मेरा सौतेला भाई है, वही जिसे मैंने बचपन में शेरों के जंगल में फेंक दिया था। वो मरा नहीं, जिंदा है। तो क्या तू रवि को मार डालने की सोच रहा है?
नहीं, मेरी दुश्मनी रवि से नहीं, उसके बाप से है। और उसी की तलाश है, उसी का इंतजार। आज अगर अपना सुंदर भी यहां होता, दिल के सारे जख्म धुल जाते। एक बात कहूं बाबूजी? कहो बेटे। माँ जी ने सारा जीवन दुख झेल के गुजारा है, हो सके तो बदला भूलकर बलराम सिंह से किसी भी कीमत पर शांति खरीद लीजिए, और वो हीरे जिनके लिए वो आपका दुश्मन बना उसे वापस कर दीजिए। मैंने कसम खाई थी उन मनहूस हीरों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर किस्मत को यही मंजूर है कि जिन हीरों से घर उजड़ा उन्हीं से घर बसेगा, तो मुझे ये पाप का सौदा भी मंजूर है। यही है वो हीरे जिनकी वजह से मेरा घर उजड़ा था। अब ये हीरे बलराम सिंह को वापस करके मैं अपने परिवार का सुख खरीदूंगा। यस बलराम सिंह, मैं बोल रहा हूं। तुम्हें शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे हीरे वापस करने को तैयार हूं। हीरे वापस करने की कीमत? तुम्हारा वादा कि हीरे मिल जाने के बाद हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म। ये काया पलट कैसी? देखो बलराम, मुझे मेरा परिवार मिल गया है, अब मैं बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना चाहता हूं, और इस शांति की कीमत मैं उन हीरों से अदा कर रहा हूं जिनकी वजह से मेरी और तुम्हारी दुश्मनी हुई थी। एड्रेस? यस 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 ओके। रतन कुमार हमारे हीरे वापस करने के लिए तैयार है। व्हाट? हाँ, और हीरे मिलते ही उसे खत्म कर देना होगा। तुम लोग इस पते पर पहुंचो, वो टेलीफोन बूथ के पास मिलेगा। मैं दिलावर बोल रहा हूं। बोलो दिलावर, मैं सुन रहा हूं। बलराम सिंह, रतन कुमार बुजदिल था, उसे हमने मार डाला। जिन हीरो की तुम्हें तलाश है उसके लिए तुम्हें अब हमसे सौदा करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो क्या चाहिए। 10 लाख? ओके ओके ठीक है, सी यू। आप बैठो।
शरीर को जला के राख कर दो या कब्र में गाड़ दो। बेचैन आत्मा इंतकाम के लिए कभी कभी असली रूप में फिर सामने आ जाती है। समझाता हूं, पहले एक बात बताओ, तुम तो बलराम सिंह के वहां रोज आते जाते रहते हो, मेरे लिए सिर्फ इतना पता लगा लो कि बलराम सिंह दिलावर खान से हीरे वसूल करने जा रहा है या नहीं। अब मैं समझ गया। क्या? आपने अपनी मौत का नाटक दिलावर खान और पुलिस के साथ मिलकर खेला है ना? क्योंकि हीरो का असली चोर बलराम सिंह है। कल जब बलराम सिंह दिलावर खान से हीरे वसूल करने जाएगा तो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। Fantastic. आप पियेंगे? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पानी। क्या हो शाम? क्या बात है, भूलते क्यों नहीं हो? कोई खास बात नहीं, ऐसी कभी कभी दिल में दर्द सा होता है और पसीना सा आ जाता है। ये तो अच्छा नहीं। बीमारी का पता चल गया है और इलाज भी हो जाएगा। आप मैं ठीक हो गया हूं? हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? बलराम सिंह को गिरफ्तार करने की ये जो स्कीम मैंने बनाई है, कैसी लगी तुम्हें? एक गड़बड़ हो गई। क्या? बलराम सिंह के जासूस पुलिस में भी हैं। उसे सारी स्कीम का पता चल गया है और वो कल दिलावर खान से मिलने नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? आज ही रात उसके आदमी आपकी पत्नी को उठा ले जाएंगे और फिर आपको हीरे देने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन उन्हें कैसे पता मेरी पत्नी कहाँ? 19th रोड खार, यही पता है ना आपकी पत्नी का? हाँ। पहले आप अपनी पत्नी को खतरे से निकालिए। लेकिन इतनी रात गए मैं उसे कहाँ ले जाऊंगा? मेरा एक दोस्त है, रात भर के लिए उन्हें वहां ठहरा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फोन करके आता हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ श्याम, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है श्याम, जो काम तुम करने जा रहे हो उसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस इतना याद रखिए कि आपके हीरे मिल जाने के बाद रतन कुमार मेरा कैदी है, उसकी तकदीर का फैसला अब मेरे हाथों होगा। ये मेरा दोस्त प्रेम है, आप इनके साथ जाइए, मैं आपसे कल मिलूंगा। ड्राइवर चलो। Yeah!
कोई कितनी ही सरकशी करे, आखिर उसे हमारे दरबार में आना ही पड़ता है, हाथ जोड़े और सर झुकाए। बोलो, क्या अंजाम करूं तुम्हारा? तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, वो मुझे पता है। लेकिन बलराम सिंह, तुम्हारी जीत ऐसी है जैसे किसी भिखारी की झोली में कोई पैसा डाल दे, वरना तुम्हारी क्या मजाल कि तुम मेरा बाल भी बांका कर सको। अगर मेरी हार हुई है तो इसलिए कि जिसे मैंने अपना दोस्त कहा उसने चंद सिक्कों के लिए अपनी दोस्ती को बाजार में नीलाम कर दिया। पहचानते हो इन्हें? ये मेरी मां की तस्वीर है। मेरे हाथ में, याद करो मेरी मां को और इन हाथों में तुम्हें तुम्हारी मौत नजर आएगी। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनकी जिंदगी में सुख होता है, खुशियां होती हैं। मैंने तो सारा जीवन दुख झेला है, मेरे लिए मौत सजा नहीं, निजात है बेटा। किसको बेटा कह रहे हैं आप? बेटा तो बुढ़ापे का सहारा होता है, हंसता वो खुद सूली पर चढ़ जाता है, बाप पर आज नहीं आने देता। उनके प्यासे को आप बेटा कह रहे हैं? नहीं पुष्पा, नहीं, ऐसा मत कहो पुष्पा, आखिर ये भी किसी की औलाद है और सच सही झूठ सही ये अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। जब किसी का बच्चा हो जाता है तो उसे हर बच्चा अपना ही बच्चा नजर आता। तुम्हें बताओ कौन था वो जिसको गोलियों की बौछार से बचाकर मैं घर से भाग निकला था? कौन था वो जिसे तपती वीरान में अपने सीने से लगाए मैं पनाह ढूंढ रहा था? कौन था वो जो मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया था, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं बरसों रोया हूं, बरसों तड़पा हूं? वो अपना बेटा सुनने नहीं था ना, और आज मैं भूल से यह समझने लगा कि ये शाम अपना ही सुंदर है। बेटे, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं, सिर्फ सौतेला बाप हूं, इसलिए भूल से तुझे अपना बेटा कहा मैंने। आओ बेटे, आगे बढ़ो और अपनी मां का हुक्म पूरा करो। बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जोड़ दो इसकी चूड़ियां और बेवा कर दो एक मां को, मिटा दो अपने हाथों से, मिटा दो इसकी मां का सिंदूर, भोग दो ये चाकू मेरे सीने में और लूट लो इसका स्वाद। खेलो खेलो होली मुझसे, मेरे खून से खेलो। कर लो लगता है इन्हें हार्ट अटैक हो गए। ये मर गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। शंकर, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। यस, डॉक्टर सहगल को लेकर हम ऊपर आ रहे हैं। उन्हें बताया तो नहीं है किसका मकान है? नहीं। ओके, डॉक्टर सहगल को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मकान हमारा है। तुम लोग हॉल से बाहर जाओ, यू ऑन द डोर, तुम मेरे साथ आओ। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, वो सामने कमरे में है। कौन है आदमी? ये मेरे चचा हैं और आज ही पुणे से आए, इनको हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, आप किसी हॉस्पिटल में फोन करके ऑक्सीजन मंगाइए। जी, और आप सब मेहरबानी करके बाहर जाइए और दरवाजा बंद कर लीजिए। चलो। तुम यहीं ठहरो, ओके?
तुम्हारी सांस तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, लेकिन मैं और मेरी पत्नी जो दूसरे कमरे में बंद है कल मार डाले जाएंगे, और हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो डॉक्टर सहगल, सिर्फ तुम। तुम कौन हो? कौन हूं मैं? और से देखो, नहीं पहचाना? और से देखो डॉक्टर सहगल, और तुम्हें मेरी सूरत में वो अन्याय नजर आएंगे जो परसों पहले तुमने एक लाचार के साथ किए थे। तुम रतन कुमार हो? हाँ, रतन कुमार, वही बदनसीब रतन कुमार जिसे एक दिन उठाकर तुम अपने घर ले गए थे। उस समय मैंने तुम्हें नेकी का फरिश्ता समझा था। रतन कुमार, मगर मुझे बताओ तो ये माजरा क्या है? ये किसका मकान है? मेरे दुश्मन बलराम सिंह का। कौन बलराम सिंह? वही बलराम सिंह जिसने बहुत साल पहले मुझे कीमती हीरों की चोरी पर मजबूर किया था, और जिसके डर से मैं वो हीरे और अपने मासूम बच्चे सुंदर को लेकर घर से भागा, तो उसने मेरे घर में आग लगा दी थी। मगर तुम ये बलराम सिंह के चुंगल में कैसे फंसे? सुंदर के हाथों। सुंदर? हाँ सुंदर, जो अब शाम बन चुका है। ये शाम तुम्हारा बेटा सुंदर है? हाँ, वही सुंदर जो कि जब 2 महीने का भी नहीं था आपने मुझसे छीनकर महारानी मानवती की गोद में डाल दिया था। आपने ना सिर्फ महारानी को धोखा दिया बल्कि मेरे बेटे सुंदर को भी। आज वो मुझको सौतेला बाप और अपनी माँ पुष्पा को सौतेली माँ समझता है। आप तो जानते हैं महारानी हादसे में मरी, मैंने उनका खून नहीं किया था, लेकिन वो महारानी का बदला मुझसे लेना चाहता है, मुझसे जिस बाप ने उसे जन्म दिया, जिस माँ का उसने दूध पिया, आज उन्हीं के खून का प्यासा है वो। रतन, मैं मानता हूं कसूर मेरा है, सुंदर को ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, न सिर्फ मैं सुंदर को सारी असलियत बता दूंगा बल्कि अभी जाकर पुलिस कमिश्नर को खबर करता हूं और आज ही रात इन बदमाशों को पकड़वा दूंगा। डॉक्टर साहब, मरीज की हालत कैसी? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आराम से सोने दो, कल सुबह फिर आकर देख लूंगा। चलिए आपको छोड़ आते हैं। आओ शाम। कहाँ? डॉक्टर साहब छोड़ कर आते हैं। चलिए। मुंबई से निकलते ही सीधे पुणे वाले रास्ते पे गाड़ी ले लो, और याद रहे अगर जरा भी होशियारी की तो तुम दोनों के भेज उड़ा दूंगा। मुझे दिया वो शाम, बाहर निकल। शंकर, मेरे सर खून चढ़ चुका है और तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। हेलो, मैं शंकर बोल रहा हूं। डॉक्टर सागर और शाम को हमने खत्म कर दिया है। आगे बोलो। डॉक्टर सहगल और शाम की लाशें और गाड़ी पूना रोड पर चंबू नाके के आगे घाटी पर खाई में फेंक दी हैं, ताकि पुलिस से समझे कि हादसा हुआ है। वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो शंकर। हम सब यहां से फौरन निकल रहे हैं। तुम्हें याद होगा कि बॉम्बे आगरा रोड पर नांदी गांव के आगे एक वीरान सी जगह में कुछ पुराने खंडरात हैं जिन्हें लोग हवा महल कहते हैं। हाँ, आगे बोलिए। के साथ ही दिलावर खान और भीमा को
रतन कुमार के जरिए फोन करा दिया गया है कि वो हीरे लेकर हवा महल पर हमारा इंतजार करे। तुम भी फौरन वहां पहुंच जाओ। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारे 25 साल जबरदस्त संघर्ष का खात्मा हो जाएगा। ए, वेट, दरवाजा बंद कर दो। हेलो। हेलो विक्रम, मैं माला बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या बात है माला जी? मैं पुणे से बॉम्बे आ रही थी तो चंबूर के आगे ये गाड़ी को खाई में पड़े देखा। गाड़ी के पास दो लोग जख्मी पड़े थे, इनमें से एक मेरे डैडी हैं। हाँ, वो यहाँ कैसे पहुंचे, कैसे ये हादसा हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मगर वो बेहोश है। हाँ, बहुत बुरी तरह जख्मी है। और वो दूसरा आदमी? पता नहीं कौन है, मगर वो मर चुका है। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं चंबूर ब्रिज के आगे पब्लिक टेलीफोन से। यहाँ मैं अकेली हूँ, यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, मजबूरन आपको फोन किया है। एक मिनट। बोलो, मैं एम्बुलेंस लेकर अभी आता हूँ। माला जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं एम्बुलेंस लेकर अभी आता हूँ। जी हाँ, अभी फौरन। ये शंकर भी बड़ा बेवकूफ आदमी है, अगर वो बुरा होश में आ जाता और सारी बातें। विक्रम, तुम फौरन एम्बुलेंस लेकर जीवन के साथ वहां पहुंचो। शाम तो पहले ही मर चुका है, उस जख्मी बुड्ढे और लड़की को भी ठिकाने लगा दो जी। और उसके बाद तुम दोनों हवा महल पहुंचो। ओके। अरे, ये हैट किस लिए? ये मेरा लकी हैट है। गुड लक, कम ऑन, लेट्स गो। जल्दी से घर खंडर का रास्ता ठीक मालूम है ना? हाँ, और हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुंचना है। बलराम सिंह जब वहाँ पहुंचेगा, देखेगा उसके बेटे विक्रम की जिंदगी हमारे हाथों में है, तो हमारे माता पिता को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा।
ये तो विक्रम साहब है। लगता है कि शंकर पकड़ा गया और इन लोगों ने उस लड़की माला से फोन करवा के विक्रम को भी पकड़ लिया है। बलराम सिंह, मेरे माँ बाप तुम्हारे पास है तो तुम्हारे बेटे की जिंदगी मेरे हाथ में। अगर मेरे माँ बाप पर जरा सी भी आंच आई तो मैं तुम्हारे बेटे को यहीं मारकर यहीं गाड़ कर चला जाऊंगा। ठीक है सुंदर, तुम विक्रम को यहां आने दो, उसके साथ ही मैं तुम्हारे माँ बाप को वहां जाने दूंगा। ओके। रवि जरा होशियारी से काम लेना, रिवॉल्वर तुम्हारी जेब में है। जाता हूं। जाओ। जाने दो इन्हें। ये विक्रम किस तरह चल रहा है? रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। बाबा बंदूक फेंकिए ना। रवि, तुम माँ को ले जाओ। अच्छा। रॉबर्ट, तुम लोग मोर्चा संभालो, मैं बाकी लोगों को लेकर हवा महल के पीछे से हमला करता हूं। ओके। इस तरफ तो कोई नजर नहीं आता, पीछे की तरफ देखें। वहां से डायनामाइट ले आओ, चलिए। सारे के सारे आदमी खत्म। हमें यहां से जीप लेके फौरन निकल जाना चाहिए। चलो।
बलराम सिंह, तुम्हारे जुल्म से मैं सारा जीवन भागा हूं। आज 5 मिनट भागना पड़ा तो तुम्हारी जुबान बाहर निकल आई। ठीक है रतन कुमार, तुम जीते मैं हारा। तुमने मेरे सारे आदमी भी खत्म कर दिए और मुझे भी सजा दे दी। मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूं, मुझे माफ कर। छोड़ दीजिए मुझे, मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे नहीं, हमने मुकाबला किया था सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, अरे वो दुश्मन की जान लेने के लिए नहीं। ये छुरा मुझे दे दो, ले लो। इसकी तकदीर का फैसला कानून करेगा। कानून? हाँ कानून, वो देखो। ले जाएं दोनों को, चलो। ये सुनीता के साथ दूसरी लड़की कौन है? माला, मेरी बेटी, तुम्हारी होने वाली बहू।